वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हो। अल्लाह सुभान व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ना तो इसका कलर खराब होगा और ना ही जायका। आजकल मार्केट में बहुत मज़े की स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं। ये बहुत कम अरसे के लिए आती हैं। इसको इस तरह स्टोर कर लें और रमज़ान में एंजॉय करें। मिल्क शेक बनाएं, फ्रूट चाट में डालें या इसका शरबत बनाएं और स्ट्रॉबेरी का कॉकटेल बनाएं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप सबके साथ, मेरी वीडियो देख लीजिएगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद भी हैं। वाइटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसको स्टोर करने की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्किप किए बगैर फुल देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप का पता चले कि इस तरह इसको आपने स्टोर करना है। खुले बर्तन में आप खुला पानी ले लें। ये हाफ के जी स्ट्रॉबेरीज हैं। अब इनको आपने खुले पानी में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने खुले पानी में डाल दिया है, अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए। हल्के हाथों से आपने अच्छी तरह से एक एक स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है सारी साफ हो जाए। और दूसरे बर्तन में भी पानी डालना है, उसमें आप ये डालते जाएं। एक दफ़ा मैंने खुले पानी में स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से धो लिया था। अब दूसरी दफ़ा मैंने खुले पानी में इसको डाल दिया है। और ये एक बड़े साइज़ का लेमन था, उसका मैंने जूस निकाला है, ये इसमें शामिल करेंगे। लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये लेमन जूस इसमें शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसके अंदर ही रहने देंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और सफाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी। पहली दफ़ा बिल्कुल साफ पानी में धोया था, अब दूसरी दफ़ा लेमन जूस इसमें शामिल किया है, उससे अच्छी तरह से धो लिया है। 5 मिनट इसमें डिप रखा है। अब सादे पानी में, बिल्कुल सिंपल पानी में इसको डाल देंगे। बस 3 दफ़ा इसको वॉश करना है। अब तमाम स्ट्रॉबेरीज अच्छी तरह से साफ सुथरी हो चुकी हैं। अब हम इसको एक छलनी में डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब इसके लीव्स जो हैं हमने ऊपर से उतार देने हैं। इस तरह इसको हल्का हल्का उतारते जाएं। स्ट्रॉबेरी के तमाम लीव्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हम एक बॉक्स लेते हैं, इसमें ये सारी सेट कर लेते हैं स्ट्रॉबेरीज को। अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून चीनी इसमें डाल देंगे और बाकी की स्ट्रॉबेरीज भी इसमें डाल देंगे और 2 टेबलस्पून और इसमें चीनी डालेंगे। आप इसे जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं। इस तरह उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जिप लॉक बैग में भी आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं। इस तरह भी आप अच्छी तरह से ये देखिए तमाम स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब एयरटाइट बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं और फ्रीजर में रख देते हैं। 5-6 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। ना तो इसका कलर खराब होगा, ना इसके जायके में कोई फर्क आएगा। और आप इस तरह से स्ट्रॉबेरी को स्टोर करें और एंजॉय करें। रमजान में आपके ये बहुत काम आएगा। अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और खुशियां बांटें सबके साथ। आप सबके लिए भी आसानियां हो जाएंगी। और स्ट्रॉबेरी को इस तरह से स्टोर करें और मुझे दुआओं में याद रखें।
और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक रमजान की नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।